शुक्रवार का दिन जिला अस्पताल की मैटरनिटी टीम के लिए यादगार रहा। एक ओर जहां नर्सेस डे पर अधिकारियों द्वारा वरिष्ठ नर्सेस का सम्मान किया जा रहा था, तो वहीं महिला रोग विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर श्वेता यादव द्वारा सभी को बताया गया कि लक्ष्य सर्टिफिकेशन में दतिया जिले ने सर्वाधिक 94% स्कोर कर प्रदेश में पहला स्थान पाया है। इसके पश्चात मेडिकल डीन, CMHO दतिया मेडिकल व जिला अस्पताल के अन्य सभी वरिष्ठ चिकित्सकों के द्वारा समस्त मैटरनिटी टीम को बधाई दी गई। महिला रोग विभाग की HOD डॉक्टर श्वेता यादव द्वारा बताया गया कि शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया से संबद्ध जिला चिकित्सालय के मैटरनिटी विभाग को राष्ट्रीय स्तर पर लक्ष्य सर्टिफिकेट मिला है। ज्ञात हो कि 15-16 मार्च को 2 दिवसीय सघन निरीक्षण के उपरांत लेबर रूम एवं मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर की गुणवत्ता राष्ट्रीय स्तर पर पाई गई एवं सभी क्राइटेरिया में औसत 90% से अधिक स्कोर किया। निरीक्षण टीम ने झारखंड एवं कर्नाटक से वरिष्ठ चिकित्सक सम्मिलित थे। डॉक्टर यादव ने कहा कि स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मेहनत से ही यह संभव हो पाया है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश के केवल चुनिंदा अस्पतालों को ही लक्ष्य सर्टिफिकेशन मिला है, उसमें दतिया भी सर्वाधिक 94% स्कोर के साथ प्रथम स्थान पर है। सिविल सर्जन डॉक्टर KC राठौर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग का अध्यक्ष डॉक्टर श्वेता यादव, मैटरनिटी प्रभारी डॉक्टर मधुबाला गुप्ता, सह प्राध्यापक डॉक्टर अमिता शर्मा, सहायक प्राध्यापक डॉक्टर निधि अग्रवाल, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय सिंह, डॉक्टर सुरेश सिंह तोमर एवं विभाग के सभी चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ एवं अन्य कर्मचारियों का इस सफलता में विशेष योगदान रहा। दतिया जिले के निवासियों के लिए यह एक गौरवान्वित करने वाला अवसर आया है कि हमारे जिला अस्पताल का मैटरनिटी विंग का लेबर रूम और OT राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप पाया गया है। उन 15 और 16 मार्च को हुए असेसमेंट में, जिसमें कि झारखंड और कर्नाटक से आए हुए सीनियर डॉक्टर्स ने लक्ष्य मानकों के अनुरूप इसका असेसमेंट किया और असेसमेंट की रिपोर्ट का रिजल्ट कल ही हमें प्राप्त हुआ है, जिसमें हमारे जिला अस्पताल के लेबर रूम और OT को 93% एवं 94% प्राप्त हुए हैं। राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खड़ा उतरने में मध्य प्रदेश में केवल शहडोल और दतिया ही इस स्थिति को पा पाए हैं। जैसा कि हमें पता है, कुछ समय पूर्व भी MS ऑब्स्टेट्रिक्स की सीट भी हमारे यहाँ आ चुकी है मेडिकल कॉलेज में। तो अब जो स्नातकोत्तर छात्र छात्राएं हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आएंगे, वह राष्ट्रीय स्तर के मानकों के अनुरूप बने हुए लेबर रूम और OT में सीख प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और इस प्रकार प्रशिक्षण प्राप्त कर देश की जनता के लिए, दतिया की जनता के लिए अच्छे से कार्य कर सकेंगे। यह कर पाना तभी संभव हो पाया क्योंकि माननीय मंत्री जी श्री नरोत्तम मिश्रा जी का हमेशा साथ और सहयोग मिला। माननीय हमारे अधिष्ठाता महोदय डॉक्टर दिनेश कुमार उदयनिया जी ने इस बात पर हम सभी को बधाइयाँ दी हैं और उनके लगातार दिए गए सतत मार्गदर्शन और सहयोग की वजह से ही यह संभव हो पाया। श्री CMHO, श्री RB कोरेले सर, सिविल सर्जन डॉक्टर KC राठौर सर के द्वारा किए गए मार्गदर्शन से ही लक्ष्य की टीम को हम लोग संतुष्ट कर पाए और हमारे मैटरनिटी विंग के प्रभारी डॉक्टर मधुबाला गुप्ता, हमारे स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय सिंह, डॉक्टर सुरेश सिंह तोमर एवं अन्य सभी चिकित्सक, इन सभी ने कई दिनों तक लगातार मेहनत की। इस कड़ी मेहनत में हमारे मैटरनिटी विंग के सभी स्टाफ एवं सभी कर्मचारियों, क्लास 3 और क्लास 4 कर्मचारियों की भी कड़ी मेहनत लगी हुई है, जिसके बाद ही इस लक्ष्य के मानकों को हम पूर्ण कर पाए। इस वजह से ही हमें लगता है कि अब हम और कोशिश करेंगे कि दतिया की जनता को और अधिक से अधिक बेहतर सुविधाएं राष्ट्रीय मानकों की उपलब्ध करा सकें। दतिया से UD News के लिए विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट।